गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस खेजिला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज टेक आउट योर बुक, नोटबुक, रफ नोटबुक, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, व्हाट एवर नीड फॉर योर क्लास वर्क, प्लीज टेक आउट एंड स्टार्ट लर्निंग विद मी। टूडे वी एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 14। ये सारे जो एनसीईआरटी फोल्डर है, जो एनसीईआरटी बुक्स के हैं, कौन सी जो सीबीएसई बुक जो स्कूल्स में चलती है, उस बुक के सारे क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो एडवाइजर पढ़ रहे हैं, अपन दो दो बुक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक जो एनसीईआरटी और एक आरबीएसई, दोनों की मिक्स बुक है ये, तो आपके लिए अच्छा है, आपको दोनों बुक्स एक साथ पढ़ रहे हो। तो आज जो अपना है, लक्ष्मी इज अ केसियर इन अ बैंक, सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन रुपीज 100, 50 and 10 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इसके पास एक लक्ष्मी जो केसियर है, उसके पास में 100 रुपीज का नोट है, फिर है 50 रुपीज का नोट है, और एक है 10 रुपीज का नोट है, ठीक है। इसके पास में 3 नोट्स हैं, इसको अपन इधर लिख लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग बड़ा है, तो यहां लिख लेता हूं मैं रुपीज 100 रुपीज है, फिर एक 50 रुपीज का है और एक 10 रुपीज का है, ठीक है। 3 नोट है, ये तो नोट है 100 का, जो 50 का और 10 का। अब ये जो नोट है वो एक रेशियो में है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दीज नोट्स। अब जो भाई इतने 100 के नोट कितने हैं, नंबर ऑफ नोट्स, तो आपको लिखना है 3:2 है, 100 के 2:2, 3:5, 2:3:5, यानी ये कितने हैं, कोई फिक्स नहीं दे रखा है, ठीक है। 2 है तो हमें क्या मानना है, इसको x मान लेंगे, ठीक है। तो अब इस सब को क्या मान लेंगे हम, x, ठीक है। तो यहां पे पहला अपन लिखेंगे नंबर ऑफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ नोट्स लिखेंगे, नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट। अब 100 रुपीज के नोट कितने हैं, कितने हैं, 2x। 100 रुपीज के जो 100 रुपए के नोट है वो कितने हैं, 2x है, ठीक है, 2x है। ठीक है, चलो 100 रुपीज के नोट हो गए 2x, तो इसका अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट मेड बाय, हाँ, तो नोट कितने मेरे पास में 2x है, ठीक है, और कितने रुपए के, 100 के नोट है, कितने हैं 2x है, तो ये कितना हो गया 200x। ऐसे कैसे बताओ, नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, नंबर ऑफ 50 रुपए के नोट कितने हैं, 50 रुपी नोट्स 50 के कितने हैं, 3x, ठीक है, 3x है, मतलब 50 रुपए के नोट 3x है हमने मान लिया। तो जो 50 से कितना अमाउंट बनेगा, कितना पैसा बनेगा, अमाउंट कितना बनेगा वो देखते हैं। अमाउंट मेड बाय, तो 3x तो नोट है, और कितने के नोट है 50 के, 150x, ठीक है। ऐसे से नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ अब कौन से बचे, नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स, 10 लिखते हैं 5x। यहां तक दिख रहा है आपको, 5x तक दिख रहा होगा सभी को आराम से, ठीक है। तो अब 10 रुपीज से कितना अमाउंट बना, अमाउंट मेड 5x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 10 से, तो क्या बन जाएगा,
50x, ठीक है। अब मैंने ये यहां मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 10 रुपए के नोट आपके पास कितने हैं, मान लो 5x है, तो 5 नोट है ऐसे, और ऐसे कितने नोट हैं, 5 नोट हैं, और कितने के नोट है 10 के, तो उसी से मल्टीप्लाई होगा तब अमाउंट बनेगा। मान लो आपके पास में 2 नोट है और वो कितने के है, 50 के 2 नोट है, 10 रुपए के 2 नोट है, तो 10 × 2 = 20 रुपए हुआ, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। अब सम, तो सम ऑफ इसके पास दे रखा है टोटल केस कितना है, टोटल केस 4 लाख है, ठीक है, 4 लाख है, तो मैं मेरे पास में अब कितना बना टोटल सम ऑफ, तो मेरा भी बना है देखो ये 150x है, यहां मेरा मतलब 50 रुपए के नोट, सॉरी ये 200 है, 200, ये मेरे पास 100 रुपए के कितना अमाउंट है 200x है, फिर इससे बना मेरे पास में 150x बना, और इससे मेरे पास बना 50x इक्वल्स टू 4 लाख, ये दोनों बराबर है भाई, ये जो नोट अमाउंट है और 4 लाख बराबर है, तो 200, 300, 400 ये मेरे पास में कितने 400x इक्वल्स टू 4 लाख, ये बन गया है मेरे पास में 4 लाख। अब हमें क्या करना है, x लेना है इक्वल्स टू 4 लाख को डिवाइड करना है आपको 400 से, समझ में आया, हमने इक्वेशन पढ़ी थी 400 मल्टीप्लाई हो रहा तो डिवाइड चला जाएगा। अब आप काट दो इस 400 को 400 से काट दिया वन टाइम, तो ऊपर क्या बचा 1000, x इक्वल्स टू 1000। पहले आप इसको कॉपी करें, अभी तक हमारा आंसर हुआ नहीं, अभी दो ब्लॉक में मैंने तो दो पार्ट में इसको किया है, आप इसको नीचे नीचे लिखते जाए, ऐसे नहीं कि बीच में लाइन बना के साइडों में लिख दो, जैसे मैंने दो पार्टीशन करके लिखा है ऐसा आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है स्टार्टिंग से नीचे नीचे लिखते हुए जाना, ठीक है। ये तो है क्या है, मेरे पास में बोर्ड छोटा पड़ रहा है क्वेश्चन के लिए, ठीक है, इसीलिए मैं पास में लिख रहा हूं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको नीचे नीचे लिखते हुए जाना है, ठीक है। तो अभी आप पहले इसको कॉपी करें अच्छी राइटिंग के साथ, और जहां तक हो सके आप पहले इसको रफ में उतारे, फटाफट रफ में उतारे बिना कोई गलती के, फिर आपकी कार्ड चार्ट भी नहीं होगी, तो पहले रफ में उतार ले, फिर उसको फेयर आउट बाद में कर लेना, ठीक है, पहला पूरा वीडियो देख ले आप, क्वेश्चन उतार ले। अब सभी ने कर लिया होगा, अब हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आई है 1000, ठीक है, तो अब मैं बताना है नंबर ऑफ नोट्स, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज हैव, तो नंबर ऑफ नोट बताना है, मतलब नंबर ऑफ 100 रुपी नोट कितने थे 2x, नंबर ऑफ 50 रुपी के कितने थे 3x, और नंबर ऑफ 10 रुपीस के कितने थे 5x। मान लो x आया अपना 1000, तो 1000 × 2000, तो हमारे पास में 100 रुपी के कितने 2000 नोट, क्योंकि 1000 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2000, फिर 1000 आपका होगा 3 से तो 3000, ऑफ फिर 5000, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं इसको लिख के बताता हूं कैसे करना आपको, ठीक है, तो पहला हंड्रेड रुपए के नोट आपके पास कितने थे 2x, चलो 2 तो हमारे पास था, x आया 1000, तो ये हो गए 2000 नोट, ठीक है। फिर नंबर ऑफ 50 रुपी 50 रुपए के नोट आपके पास में कितने थे 3x, 3x का मतलब 3 × 1000, ये आपके पास में हो गया 3000 नोट, ठीक है। और जो लास्ट है वो मैं वहां लिख देता हूं, ठीक है,
अब आपके पास में 10 रुपीज के जो नोट थे वो कितने थे, 5x थे। 5 मल्टीप्लाई, थोड़ा इधर लिख लेता हूं, 5 मल्टीप्लाई 1000, इसका मतलब 5000 नोट। तो वापस लिखते हैं, 100 रुपीज के नोट कितने हैं, 100 रुपीज के कितने नोट है, 2000 नोट्स। फिर है 50 रुपीज के कितने आए आपके पास में, 50 रुपीज के आए ये देखो 3000 नोट। और जो 10 रुपीज के नोट आए आपके पास में, 10 रुपीज के नोट आए वो है आपके पास में 5000 नोट। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। अब आप इसको आराम से करें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो ये सारे जो एनसीईआरटी फोल्डर वाले क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग बड़े बड़े एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको दोबारा करना है, ठीक है। ठीक है, आप रफ में इसको 2-3 बार सॉल्व करो, फिर आपको आराम से ये समझ में आने लग जाएंगे, ठीक है। कम से कम 1-2 बार इसको वापस आपको सॉल्व करना है, बड़े क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है और बिल्कुल एप्लीकेशन वाले हैं, इनमें एप्लीकेशन लगती है, इसीलिए आपको 2-3 बार सॉल्व करोगे तब आपको ये समझ में आएंगे। अब हम होमवर्क के रूप में जो करेंगे वो है HW में आपको करना है क्वेश्चन 15। पहले आपको ट्राई करना है 15 वाला क्वेश्चन, अगर आपसे नहीं हो पाता है तो फिर इसको मैं करवाऊंगा, ठीक है। जहां तक हो सके आप इसको ट्राई करें। ये जो 15 है बिल्कुल इसके जैसा एक एग्जाम्पल है, आप चाहे तो उसको देख के, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूं, ऐसा एक क्वेश्चन जो हमारी बुक में है, चलो ऐसा मिला नहीं है पर है, तो आपको मैं ऐसे बता देता हूं, I have a total 300 rupees in coins। मेरे पास टोटल कितने हैं, 300 रुपी के कॉइन है। जो कॉइन कैसे कैसे हैं, केवल 3 कॉइन है, एक तो 1 रुपए का, 2 का, 5 का, यानी मेरे पास 300 के इतने सारे सिक्के हैं, 300 रुपीज है। अगर मैं सबको गिनूं तो कितने होंगे, 300 होंगे। और सिक्के उसमें कितने कितने कैसे कैसे मिलेंगे, एक 1 रुपए का, एक 2 का, एक 5 का, यही सिक्के मिलेंगे, ठीक है। अब द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन। अब जो 3 रुपए का जो कॉइन है वो कितना है, 3 टाइम्स है, किससे, 5 रुपए के कॉइन से 3 टाइम्स, तो 5 का तो पता ही नहीं, 5 का आप मान लो x, तो 3 रुपए के कॉइन कितने हो जाएंगे, 3x, वो x, ये 3x, तो अब जो रिमेनिंग है वो कितने कॉइन हो जाएंगे, 1 रुपए का कॉइन कितना होगा, 300 माइनस 300 माइनस, दोनों का प्लस कर लेना, ठीक है। तो फिर ये आपसे आसानी से हो जाएगा। फिर हमारे पास बचेगा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक वो मैं 16 वाला मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो आपको करना है कौन सा, 15 वाला क्वेश्चन करना है, ट्राई करना है सॉल्व करने की, और उसको कोशिश करना है, आंसर लाना है आपको, और प्रैक्टिस भी करनी है एनसीईआरटी के क्वेश्चन। फिर आप अगर नहीं हो पाए तो सारे एग्जाम्पल सॉल्व करना है, एक बार एग्जाम्पल अगर देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, सारे एग्जाम्पल पे बेस है, इन सब के आपको एक एक एग्जाम्पल मिल जाएंगे, एग्जाम्पल को देखोगे तो आपको रास्ता मिल जाएगा मुझे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज की जो क्लास है अपनी इसी के साथ एंड होती है, कल अपन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।